सब अच्छा भाई, कैसे सारे सारे के सारे बढ़िया होने होंगे तो हम बना देंगे तुम बढ़िया। सो फाइनली आ चुके हैं हम लोग वापस। एंड आज हम लोग एमवीए वर्सेस रफ्तार का सीन कवर अप कर रहे हैं। मम्मी के साथ मैंने करा हुआ है पहले, मतलब रिएक्शन नहीं डाले थे बट सुना था पूरा पूरा सीन। हमने को हमेशा से मतलब उस टाइम पे ऐसा मतलब लगता था कि यार करना चाहिए था, पर मैंने एक बार सुना तो वापस रिएक्शन करने का कोई मतलब नहीं है। मैंने सोचा किसी से कवर अप कराएंगे, आज मम्मी से कवर अप करा रहे हैं। इसके बाद हम लोग कृष्णा पे, मुफाड़ पे, उन दोनों का जो डिस सीन था एंड अलग 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 आर्टिस्ट पे हम लोग करने वाले कवर अप, तना अंजुम का भी करने वाले। सो जितने लोग भी देख रहे हैं मेक श्योर DHH फैंस सपोर्ट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और ये एक्चुअली रफ्तार की तरफ से ये डिस गाना नहीं है, इसने ब्रैकेट में लिख दिया। पिछली बार एमवीए ने उस सॉन्ग बोला ना कि ये डिस गाना नहीं है, तो ये उसका ही रिप्लाई दिया इसने रफ्तार ने दोस्त ने। हाँ तो अभी ये बहुत बड़ा सीन चला था, इसके बाद भी गाने हैं तो मैं तुमको सुनाऊंगा। और शेख चिल्ली गाने का नाम है, सुनते गाना। तो मैं इसमें बहुत मतलब इसमें कुछ समझाने की मेरे को तुमको जरूरत ही नहीं है, तुम खुद समझ जाओगे जैसे एमवी का समझ गए थे। लेट्स गो। रफ्तार हाँ तो ये गोकू, गोकू पता है ड्रैगन बॉल जी पहले एक कार्टून आता था तो उसमें ना एक बंदा था गोकू जो मेन था, तो उसका बहुत बड़ा फैन है ये। तो देख इसके बालों में ना जैसे गोकू का भी सेम ही होता था पूरा, तो इसने खुद का भी पूरा डिजाइन वैसे कर लिया कि आग मेरे अंदर है, मतलब जल रही है करके। रफ्तार I'm sad ये करना पड़ा यार। Shake chili, let's go. Shake chili, सुन तू भाई नहीं यानी कि तू बनता ही नहीं है, तू बनता ही छोड़ तू तो बनता ही नहीं है। चुप रहना मेरा बनता ही नहीं, मुझे सब दिखता है मेरी बनता ही नहीं है, तेरा भाई बाबू बनता ही नहीं है, वो सच बोले। ये बहुत ही ज़्यादा अलग ही राइम स्कीम्स है, एक नॉर्मल लिसनर के लिए बहुत ही ज़्यादा वो है, अपन सुनते अपने को पता चलता है। तो मतलब इसने एक्चुअली क्या कि उस टाइम भी क्या होता बहुत ज़्यादा, मतलब ये मेरे ख्याल से रिप्लाई नहीं देता। वैसे तो ये बंदा ऐसा ना रफ्तार की जो भी गलत हो रहा होता ना सिटी में, और मतलब जो भी गलत हो रहा है कंट्री में उसके खिलाफ ये उठता ही है हमेशा, अपने देश में कुछ भी हो जाए। और कोरोना पेशेंट्स के भी हर बार आवाज़ उठाता ही है, तो मतलब ये कभी चुप रहेगा ही नहीं मेरे को पता है। बट उस टाइम पे पब्लिक ने बहुत ज़्यादा हाइप बना दी थी, मतलब एमवी के सॉन्ग के बाद यू नो बहुत मिलियन और 100 मिलियन पार चला गया था गाना उसका। तो इसने भी रिप्लाई दिया था बहुत, मतलब सीन को बड़ा किया था, इसको बंदा ही नहीं है, चुप रहना मेरा बनता ही नहीं, मुझे सब दिखता है मेरी बनता ही नहीं है, तेरा भाई बाबू बनता ही नहीं है, वो सच बोलता है सच जमता ही नहीं है, तेरे मेरे जैसे बहुत करे काम पर सीन में कोई खास ज्यादा धंधा ही नहीं, सच्चाई यही है कि अपॉर्चुनिटी नहीं, सच्चाई यही है लोगों में नहीं यूनिटी, ईगो है पहाड़ पे ये खुद चले के झाड़ पे ये खुद की मुड़ के चाटे बोले दुनिया मुझको पूजती है तेरा भाई तेरा भाई। सो बेसिकली इसने ऐसे किया था ना पता है कि इंटरव्यू में ऐसे बोलना के ट्राई की थी कि मतलब सब काम कर रहे हैं बट अभी है ना हिप हॉप में इतना ज्यादा बूस्टअप नहीं है, तो इनके बाद आ गया पर इनके पहले था नहीं। तो ये वही कहना चाह रहा था कि भाई अपॉर्चुनिटीज नहीं है, यही तो मैंने सीधा सीधा कहा ना, मैं इसमें गलती किया जो तूने मेरे ऊपर डिस्ट्रैक्ट बना दिया ऐसा। बट मेन क्या था पता है कि लोगों को हर्ट कर जाता है, मतलब कोई ऐसा बोल दे तो कैसे कि पैसे नहीं कमा रहा है तू कितना भी कर रहा है, पर इसका क्या बोलने का वे थोड़ा कड़क है ऐसे। हाँ तो उनको गलत लग ही जाता है अभी, ठीक है लेट्स गो कोई बात नहीं। तू नहीं मेरा भाई तो तबाही है तबाही, तू होगा हाय मेरे भाई जो तूने सुन के इंटरव्यू अकल नहीं चलाई, कड़क बन मत बन तू ढोकला, अकल मत नहीं छोटे तू तो निकला दोगला, लड़कपन में भी निकला नॉट हार्ड, सड़क बंद आगे बंद ना का तेरे रोड का, याद दिलाऊं क्या, याद दिलाऊं क्या, याद दिलाऊं क्या, याद दिलाऊं तू मिलने को आया था, मैंने बुलाया था साथ बिठाया था खाना खिलाया था वापस ना भेजा होटल में सुलाया, पेंड्रा के स्टूडियो में बुकिंग कराया, बबल हे स्टूडियोज नाम याद तो में आया क्या स्टूडियो तो उसका समझ में आया क्या वाला गाना था ना, तो उसी का फ्लो लेके उसको ही पोक कर रहा है मतलब, और सब स्टोरीज बता रहा है सब फैक्ट्स खोल रहा है कि भाई तू आया था मिलने को आया था मैंने बुलाया था तेरे को। मतलब उसने पता है अपने गाने में बोला था कि मैं मिलने का आया था तोहफा साथ लाया था, और तूने क्या बताया कि एमवी में कमाया है क्या, मतलब ये मैं मतलब डिजर्व नहीं करता तेरी तरफ से, पर इसने सब फैक्ट्स खोल दिए कि तू नहीं आया था मैंने बुलाया था तेरे को, समझा ऐसा। अपने से पीछे बताया क्या, अपने से नीचे दिखाया क्या, अपने सीने से लगाया था कितनी खुशी से मैं गाना कराया था, तब तेरा तेवर अलग था, तू लड़का कड़क था, मुझे आया तुझ पे भी प्यार गजब का, तो लिखा तेरा आधा बस सड़क का, सड़क इज अ सॉन्ग, मुकदमा बिठाता हूँ सदमा लगा है तो बाद में आता हूँ, देखना तुझको तो याद ही होगा बहुत बढ़िया विजुअल, वायरल ना होता से लेबल का रोक नहीं है, लाइनों का राज तू कभी नहीं खोलेगा माँ की कसम मुझे। ओके सो बेसिकली एक सड़क गाना था जो इन दोनों का मिलके आने वाला था, तो उसने पहले सोलो निकाला फिर उसके रीमिक्स में रफ्तार को लेके आने वाला था वो बंदा, क्योंकि इनकी दोस्ती हो चुकी थी,
तो ये सब बोल रहा है कि भाई तेरा जो सड़क गाना है ना वो आधा मैंने लिखा था, बट वो तू बताएगा नहीं किसी को, क्योंकि तू ऐसा दिखाना चाहता है जनता को कि वो मैंने लिखा है खुद से। तो मतलब ये पूरा गाना है ना पूरा फैक्ट्स के ऊपर ही है, इसकी सच्चाई खोल रहा है बस। कल का रोक नहीं है, लाइनों का राज तू कभी नहीं खोलेगा, माँ की कसम मुझे या तेरी बारी, तू सच्चा मुसलमान है झूठ नहीं बोलेगा। झूठ नहीं बोलेगा, हार्ड ये लड़का झूठ नहीं बोलेगा, ये लड़का कुछ भी नहीं बोलेगा, थोड़ा भी नहीं अब ये म्यूट ही हो लेगा। दुख है कि मुझको बताना पड़ा, जताना नहीं था जताना पड़ा, मेरे घर पे तू डिश खा के मुझ पे ही डिश लाया, मुझको भी लंगर लगाना पड़ा। नाचे तू फ्लो में ए, मेरे दिल्ली के शो पे ए, मैंने सबसे मिलाया था ए, खुद पीछे का होके मुंबई में शो था, तू मेरा ब्रो था, ब्रो ही ना होता तो शो पे ना होता, मैंने तुझे सिर्फ इज्जत दिलाई है, भाई को दुख है कि इज्जत पे आई है, इज्जत कमा के ना इज्जत गवा, शो पे जो थे वो है मेरे गवा, उंगली दबा छोटे मुट्ठी बना, गुस्सा तू कर पर ना मुंह को सड़ा, बचपना बचपना बचकानी बातें बंद कर, जरा सच बता, पैसे की बात ही नहीं थी, मैंने बोला डिवाइन बड़ा है तू तब सड़ा। हाँ उसी इंटरव्यू में उसने ये बोला था कि भाई डिवाइन इससे बड़ा है, मतलब डिवाइन खुद ही बोलता है कि मैं बड़ा हूँ सबसे, और एक्चुअली उस टाइम पे था भी सबसे बड़ा इंडिपेंडेंट जैसे सब्सक्राइब चैनल था ना उस टाइम में डिवाइन था। हाँ और पैसे में भी बहुत आ गए, उसकी गली बॉय मूवी नहीं बनी थी जिसके मैं तुमको बताता हूँ। हाँ रणवीर सिंह एक्चुअली डिवाइन और नेजी का मिलके एक रोल बनाया गया, मतलब ऐसा, और वो लोग ऐसा बोलते कि मुंबई से बहुत इंस्पिरेशन लिया गया, तो ऐसे उसके और मूवी बन रही थी, उसमें एमीवे भी था। हाँ उसकी मूवी में एक्चुअली मूवी उस पर बनी थी डिवाइन पे, और उसमें रोल प्ले किया था एमीवे ने। हाँ तो इसके मतलब था कि भाई उसमें मूवी बन रही है, वो बड़ा है ऑब्वियसली बात है, तो तूने उस बात पे जला ली ऐसा, और तूने ऐसा बता दिया कि पैसे की वजह से मैं अपना डिस कर रहा हूँ ऐसा, तो तूने पूरा मतलब ही चेंज कर दिया भाई। यही है कि हाल फिलहाल उसकी इज्जत बड़ी है, तू पिक्चर में आ रहा है छोटे नेजी और उस पे वो पिक्चर बनी है समझा, चलती है गली 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 गैंग, तभी तो एमी की चली 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 गैंग, हल्की है बातें हेवी बस स्लैंग, कल का है तू हल्का है तेरा प्लान, ये समझ में आया क्या, मकच में आया क्या, वही सेम फ्लो, याद में आया क्या, मैं तेरे बाद में आया क्या, चिल्लाने से बनते गाने क्या, चिल्लाने से बनते शाने क्या, येड़े चाले करके पब्लिक को बना रहे, ये पब्लिक में अंधे या खाने क्या। भाई यही लाइन में नहीं आ रहा था, किचन में ये धीरे धीरे रोटी बना रही है, पब्लिक में अंधे या खाने क्या। भाई बहुत बढ़िया, लाइक उसने भाई बोला कि मैं तेरे बाद में आया हूँ क्या, मतलब उससे 8 साल बड़ा है ये बंदा, और बाकी अपने ना जो एज है ना उसके भी आगे भी फ्लेक्स करेगा, बट ये तब के टाइम से जब हनी सिंह वो लोग नहीं वायरल हो रहे थे तो उसी की गैंग से ही है। अच्छा। तो इसने ये सब करना छोड़ देते, हिप हॉप नहीं, अभी ये कमर्शियल बॉलीवुड सॉन्ग्स करता है, तो उसको ऐसा लगा कि भाई मैं बोल दूंगा ये कुछ नहीं बोलेगा सामने, पर ये आ गया 8 साल बाद भी उसी जोन में ऐसा। भाई बहुत बढ़िया यार, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। मैं आया क्या, मैं तेरे बाद में आया क्या, चिल्लाने से बनते बोले चिल्लाने से बनते गाने बनते, चिल्लाने से बनते शाने क्या, ये डेटा लेकर के पब्लिक को बना रहे, ये पब्लिक में अंधे या काने क्या। जनता की क्षमता है ममता भी देगी, और जमता नहीं है तो घंटा ही देगी, बातों का मतलब बदल के बताने से सोचे की जल्दी से जनता बढ़ेगी। ममता से मेरे को याद है मेरी मम्मी का नाम है ममता ही है, और पता है मेरे को रफ्तार और मम्मी में बहुत सारा मतलब ऐसे दिखता है, पता है सेम ही लगते हैं मेरे को, क्योंकि उन दोनों में ऐसा ही कि उनको जो गलती दिख जाएगी ना वो छोड़ेंगे नहीं, वो लोग ले लेंगे हाँ पीछे सुबह से रात तक वही बोलेंगे। बातों का मतलब बदल के बताने से एग्रेशन ब्रो, भाई से सीधा तू छोटे पे, हाँ उम्र में मुझसे ये छोटे हैं, मैंने तुझको अपना बना के कि अपने ही कमीने होते हैं, ए कमीने होते हैं, अपने ही कमीने होते हैं, समझ में आ गया मुझको, समझ में आ गया रफ्तार। ओ चल कुछ बात और ध्यान से सुनना, तू मुझे छोटा बोला क्योंकि ईगो तेरी हर्ट है, मैं तुझे छोटा बोला क्योंकि 8 साल का फर्क है, छोटे तू शाहरुख नहीं, शाहरुख बस एक है, शाहरुख खान, और तू शाहरुख शेख नहीं, शाहरुख स्नेक है। सच्चाई है ये गाना नहीं डिस। तुमको एक बात मालूम है कि रफ्तार एक्चुअली डांसर था। ओके हाँ रफ्तार डीआईडी में भी आ चुका टॉप 8 तक, वो डांसिंग मूव्स अभी दिखाते, अभी इतने क्लासी नहीं है बट एक टाइम पे बहुत क्लासी थे, तो मैं इसको बहुत पहले से इंस्पिरेशन, हमको तुमको लगता है कि रैप से ही सिर्फ जानते हैं, मैं डांसर 10 साल से हूँ, मैं पहले उसको एज एन डांसर जानता था, मैक्स इसका नाम था डीआईडी में, तुमको दिखाऊंगा तुमको याद आ जाएगा, हम लोग डीआईडी बहुत फॉलो करते थे, मम्मी भी डांसर ही थी, तो दैट्स व्हाई भाई बहुत ही अच्छा है। लास्ट में बोला था ना उसने चिल्ला के जिसमें तो हंस रहे थे, वो सेम ऐसे ही खत्म किया।
ओ भाई, लेट्स गो भाई। रफ्तार फैंस किधर हो तुम लोग भाई, किधर हो तुम लोग, देख रहे हो कि नहीं ये सब कुछ है ना? तो अगर देख रहे हो तो फॉलो कर लो, फॉलो के सब्सक्राइब कर लो और आगे हमारे साथ चलो यार। इस दिस सीन में मैं चाहता हूँ तुम्हारा सपोर्ट और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग एंड तक, मतलब हमको है ना यार मज़ा आना चाहिए, मतलब ये बनाने में हम इतना मेहनत करके बना रहे हैं तो हम चाहते हैं कि तुम लोग हमें लाइक एंड तक फॉलो करो। इसके बाद जैसे ही खत्म होगा हम लोग कृष्णा वर्सेस मूफाट उठा लेंगे और तुम्हारे मन में कोई और सीरीज है डिस गेम के रिलेटेड तो तुम्हें बता देना तो उस पर ले आएंगे। तो मिलते तुमसे किसी और अच्छे रिएक्शन में। इसके नेक्स्ट रिएक्शन में हम लोग उस पर रिएक्ट कर रहे हैं, एमवीए की तरफ से जो रिप्लाई आया था उस पर रिएक्ट करें। तो आ जाओ सारे के सारे भाई फैंस, आ जाओ DHH, कोई हेट मत फैलाना, पहले ही बोल देता हूँ, आ जाओ सीधा, ठीक है? मिलते, लेट्स गो। हुआ मैं तो ये गेमों को खेल के टिकटॉक और चूतियों की गांड हम पे लेते, गेम को घुमाता हूँ जैसे ये बेबलेट हल्का समझते, अब कहता हूँ चेक में स्कूल में तालिक तरह बुक थी क्लास में दिखते ही दिखते हैं घूमो गए बैच में ढोके मिले फ्रॉम द पीपल हु वर फेक ML11 विद वुमन और अ स्नेक अकेला काटा था मैंने बर्थडे केक इमेजिनेशन में किया था बेक।